साथ हमारा बेल आइकॉन दबाना भूलें, ताकि समय समय पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले। आज हम लेकर आए बहुत ही मजेदार टॉपिक, हंस का नियम, हंस रूल। आज हम लेकर आए बहुत ही मजेदार टॉपिक हंस रूल, हुंड का नियम। ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुंड का नियम क्या है, हुंड के नियम के आधार पर कैसे किसी इलेक्ट्रॉन को एसपीडीएफ के आधार पर ऑर्बिटल्स में सजाते हैं। तो पहले हम जान लेंगे कि हंस जो हुंड का नियम है वो हुंड का नियम क्या है। हुंड का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले समांतर क्रम में प्रवेश करते हैं, उसके बाद भरे जाने वाले विपरीत चक्र वाले इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर बनाता है। यानी हुंड का नियम कहता है कि किसी ऑर्बिटल का एनर्जी अगर इक्वल है, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, और उसके बाद से अपोजिट डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्पिन करने वाले अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, उसके बाद से वे इंटर करते हैं और वे पैरेलल क्रम में, यानी कि वे जब प्रवेश करते हैं तो एक पेयर बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? पेयर बनाता है, यानी कि इक्वल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस क्या करते हैं ऑर्बिटल्स में, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पहले पैरेलल क्रम में क्या करते हैं, पैरेलल क्रम में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, और इसके बाद से जो अपोजिट डायरेक्शन वाले जो स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं बाद में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, और वे उनके प्रवेश करने पर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है। तो यह नियम जो है हुंड्स का नियम जो है पाउली नियम का जो अपवर्जन सिद्धांत होता है, पाउली का जो एक्सप्लोजन प्रिंसिपल होता है, पाउली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल जो होता है उस नियम का यह उल्लंघन नहीं करता है। पाउली का अपवर्जन जो प्रिंसिपल था वह कह रहा था कि किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम जो नंबर होता है वह इक्वल नहीं होता है। तो किसी भी एटम के लिए दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उस दो इलेक्ट्रॉन में उसकी चारों जो क्वांटम नंबर होगा, जो क्या होता है क्वांटम नंबर होता है, वह इक्वल नहीं होता है। अगर दो ही इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो इसमें एक का क्वांटम नंबर प्लस हाफ होता है, तो एक का क्या होता है माइनस हाफ होता है। यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि उसमें चारों क्वांटम नंबर अगर हम निकालते हैं तो वो दोनों के लिए क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होता है। तो पाउली नियम के द्वारा जो भी अपवर्जन जो प्रिंसिपल था, जो भी नियम दिया गया है, उससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है लेकिन कौन सा एटम जो है ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल कौन सा एक एटम होता है, उसके लिए यह नियम बताया गया है हुंड का नियम। तो वह भी कहता है कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होती है, किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन को जो अरेंजमेंट होती है वह मोर स्टेबल कब होता है, जिसमें अधिक संख्या में क्या होते हैं पैरेलल स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि किसी सबसेल की एक ऐसी सजावट जहां अधिक संख्या में समांतर स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह एटम ज्यादा क्या होता है स्टेबल होता है। यह भी हुंड का नियम कहलाता है। यानी कि सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है वह ज्यादा स्टेबल कब होता है कि ज्यादा स्टेबल वह होता है जहां पर अधिक संख्या में अधिक नंबर में क्या होते हैं पैरेलल स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी यही आपका हुंड्स का नियम है, यानी कि एनर्जी उनका सेम होता है। समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं प्रवेश कर लेते हैं, वो भी किस क्रम में पैरेलल क्रम में इंटर करते हैं, और इसके बाद से जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने वाले होते हैं वह क्या होते हैं प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं एक पेयर बनाते हैं। यही आपका कहता है हुंड्स का नियम। तो इसके आधार पर अगर हम नाइट्रोजन के लेते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p3, इसका एटम नंबर कितना है 7 है। तो इसको अगर हम हुंड्स के नियम से सजाते हैं तो हमारा कितना ब्रैकेट बनेगा
एक एक यहां पर बनेगा और एक तीन यहां पर बनेगा। तो यहां पर पहले कहता है कि इसमें कितने इंजेक्टर हो गए, टोटल नंबर यहां पर कितने हुए, सेवन में। तो पहले ऐसे कहता है, ऐसे जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन पहले चले जाएंगे, सबको फ्री कर दिया। उसके बाद से कहता है या पैरेलल क्रम में होंगे, उसके बाद से कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी यह हो गया 1s के लिए, यह हो गया 2s के लिए, यह हो गया 2p के लिए। इसमें तीन होता है, px, py, pz, तीन होते हैं। यहां px होता है, py होता है और pz। या आप पढ़ सकते हैं 2px, 2py, 2pz। तो यह जो है या रूट इसका ये भी कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश किया है या पैरेलल क्रम में, जैसे यहां पर था ऐसे करंट प्रवेश कर गया। उसके बाद से कहता है कि जो फ्लिप करने वाले स्पिन स्पिन करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे प्रवेश करेंगे, इंटर करेंगे और किस क्या करेंगे, इंटर करने वाला एक पेयर बनता है। तो यह इलेक्ट्रॉन जो है कहता है कि यह नियम क्यों अप्लाई किया जाता है, या इससे होता है कि एटम जो होता है मोर स्टेबल होता है। इस तरह के जो सजावट होती है, अरेंजमेंट होती है, वह क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसलिए इसका नाम हुंड्स का नियम में यही कहता है कि एटम को स्टेबल करने के लिए यह नियम बताया गया है। दूसरा हम लेते हैं, दूसरा अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p4, 4, 4, 8। इसके लिए क्या होगा, ऐसे होगा, और p में कितना होता है, 3 होता है। तो पहले कहता है कि पैरेलल क्रम में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। उसके बाद से कहता है स्पिन, जो अपोजिट स्पिन करने वाले होंगे वो ऐसे प्रवेश करेंगे। कितना हुआ, 2 2, या कितना हुआ, 7 1 8। ऐसे आप क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। सेवा भी क्या है, 1s के लिए है, 2s के लिए है, क्या है, 2p के लिए है। अब px, py, pz, उसी तरह अगर हम फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के लिए तो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p, 2p5। फिर यहां पर बनाएंगे, ऐसे चलेगा, और यहां पर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, 1 2 3। फिर यहां पर कहता है, पता है कि पैरेलल क्रम में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले इंटर कर जाएंगे। यह सब s हाफ है, और उसके बाद से s माइनस हाफ आते हैं। कितना हुआ, 1 2 3 4 2 4 8 9, यानी कि यही कहता है आपका हुंड्स का नियम। इसी के जैसा अगर हम आपको एक क्वेश्चन है, क्या समझा है, क्लोरीन को, क्लोरीन आप कितना है, 17 है, मिलेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। कितना हुआ, 2 4 10 12 5 17, 17 हुआ। अब इसके लिए अगर से जाते हैं कैसे होगा, 1 2, इसके लिए क्या बनेगा, 3 बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, 1 बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, इंटर करेगा, उसके बाद से अपोजिट स्पिन करने वाले, कितने हो गए, 2 4 6 10 12 12 4 16 1 17, 2 2 4 4 4 6 8 8 2 1 2 3 4 5 6
होने के लिए